नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। चक्रवात यास के ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से टकराने के बाद दोनों राज्यों में जमकर नुकसान पहुंचाया। यास 39 की सुबह करीब 9 बजे तट पर टकराने के साथ ही उत्तरी ओडिशा एवं पड़ोसी पश्चिम बंगाल में भीषण चक्रवाती तूफान ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया, जहाँ इस दौरान 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। अधिकारियों ने बताया कि चक्रवात ओडिशा के भद्रक जिले में धामरा के उत्तर और बहगाना ब्लॉक के निकट बालसोर से 50 किलोमीटर दूर तट पर पहुंचा। डॉपलर 39 रडार डेटा के अनुसार इस दौरान 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त SRC PK जेना ने कहा, चक्रवात के पहुंचने की प्रक्रिया अपराह्न 1 बजे तक पूरा होने का अनुमान है। इससे बालासोर और भद्रक जिले सबसे अधिक प्रभावित होंगे। जेना ने बताया कि समुद्र में गुरुवार तक परिस्थितियां विषम रहेगी और बारिश जारी रहेगी। ताजा जानकारी के अनुसार झारखंड में भी चक्रवात यास का असर देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची में मौसम में बदलाव दर्ज किया जा रहा है। बंगाल और ओडिशा के इलाकों में NDRF की टीमें सड़कों पर गिरे पेड़ों का काट कर रास्ते से हटाने का काम कर रही है।